हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हमारे ज्योग्राफी के एमसीक्यूज हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपकी बात कर रहे हैं एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस के बारे में, और आपसे पूछ रहे हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। तो पहली स्टेटमेंट में आपकी ये बात कर रहे हैं कि एक स्पेशलाइज एजेंसी है WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। सेकेंड में कह रहे हैं जो इसका पीरियड है फॉर विच इट इज इलेक्टेड, ये आपका 4 साल है। थर्ड में कहा जा रहा है जो इसके मेंबर्स हैं वो पर्सनल कैपेसिटी में सर्व करते हैं, ना कि एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर स्टेट्स। तो यहाँ आपकी 3 स्टेटमेंट्स मेंशन है, आपको करेक्ट कोड यूज करना है इन चारों ऑप्शंस में से। तो रिसेंटली ही आपने इस कमेटी से कोई ना कोई न्यूज तो जरूर सुनी ही होगी। तो आइए वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ थर्ड ही है। बेसिकली ये आपकी WTO की स्पेशलाइज एजेंसी नहीं, ये आपकी यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज एजेंसी है, जो कि आपकी जिसमें आपके 16 मेंबर्स होते हैं, जो कि जनरल असेंबली द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, ना कि आपके 4 साल के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉड ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्टली मेंशन था कि जो मेंबर्स हैं वो पर्सनल कैपेसिटी में सर्व करते हैं, ना कि मेंबर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव की तरह। इसमें आपके 3 सेशंस होते हैं हर एक साल में, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इस कमेटी के मेंबर्स ऑफ द एडवाइजरी कमेटी द्वारा ही सिलेक्ट किए जाते हैं, सॉरी इलेक्ट किए जाते हैं। फंक्शंस के बारे में बात करें इस कमेटी के, तो जो सेक्रेटरी जनरल आपके जनरल असेंबली में बजट रखते हैं तो उसको एग्जामिन करते हैं और उसके बारे में रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है जी। जनरल असेंबली को एडवाइस करते हैं कंसर्निंग एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी मैटर्स रेफर टू इट। साथ के साथ ऑन द बिहाफ ऑफ जनरल असेंबली ये जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बजट्स होते हैं स्पेशलाइज एजेंसी के, या फिर जो प्रपोजल्स होते हैं फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स विद सच एजेंसीज, इन्हें वो एग्जामिन भी करते हैं। फोर्थ यहाँ मेंशन है कि जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट है ऑन द अकाउंट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड ऑफ स्पेशलाइज एजेंसीज, उन रिपोर्ट्स को ये कंसिडर करते हैं और उनसे रिलेटेड ये मैटर जनरल असेंबली को रिपोर्ट करते हैं। तो रिसेंटली ही इंडियन डिप्लोमेट विदिशा मैत्रा गॉट इलेक्टेड टू UNACABQ, तो वहां से आपको ये क्वेश्चन तैयार किया गया है, ठीक है जी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जनरली कोई भी करंट अफेयर की अगर आपको न्यूज लगती है और वो किसी कमेटी से रिलेटेड है, तो आपको ये एडवाइस किया जाएगा कि आप उसकी एक तो फंक्शंस के बारे में, किस तरीके से वहां इलेक्शन होते हैं, क्या उनका मैंडेट है, ये कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होनी जरूरी है, ठीक है जी। चाहे वो आपकी जैसे आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है UN, तो उसी की एक स्पेशलाइज्ड कमेटी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आने की संभावना पूरी रहती है, तो आपको कोई भी पत्ता नहीं छोड़ना है, ठीक है जी। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात हो रही है फूड कोलिशन के बारे में, ठीक है जी। और आपसे पूछ रहे हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। तो रिसेंटली आपने ये टर्म करंट अफेयर्स में तो जरूर सुनी होगी। तो ये 2 स्टेटमेंट्स देखते हैं, सिंपल सी स्टेटमेंट्स है कि पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि आपका जो FAO UN है उन्होंने इसे लॉन्च किया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड में कह रहे हैं ये इंडिया द्वारा प्रपोज किया गया था। तो अगर आपने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसमें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट है। बेसिकली ये आपका इंडिया द्वारा प्रपोज नहीं किया गया है, ये आपका इटली द्वारा प्रपोज किया गया है ये कोलिशन। तो बेसिकली ये कोलिशन जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया है, जो फूड क्राइसिस आ रहे हैं ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक, तो उसको एड्रेस करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए फूड कोलिशन बनाया गया है, ठीक है जी। बात हम कर चुके हैं कि इटली द्वारा ये प्रपोज किया गया था। तो इसके चलते क्या है कि जो आपका एग्रीकल्चरल फूड सिस्टम है उसकी पहली बात तो रेजिलियंस इंक्रीज करना और ग्लोबल फूड एक्सेस को इंश्योर करना कि खाना सब तक पहुंच सके, ठीक है जी। तो इसमें इटली और नीदरलैंड्स जो है उन्होंने ऑलरेडी प्लेज कर लिए हैं अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज और टेक्निकल सपोर्ट, और डिलीवर भी कर चुके हैं। तो बेसिकली ये जो अलायंस है ये आपका एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स की तरह काम करेगा। मतलब क्या है कि इसमें आपके मल्टी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व रहेंगे, यूनिफाइड ग्लोबल एक्शन रहेगा ताकि हर कोई फूड एक्सेस कर सके, और जो आपका एग्रीकल्चर फूड सिस्टम है जैसे कि हमने पहले भी कहा उसकी रेजिलियंस इंक्रीज की जा सके, ठीक है जी। इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें, पहली बात तो जैसे कि बिल्कुल करेक्टली मेंशन्ड है कि आपके रिसोर्सेज एक्सपर्टीज और इनोवेशन को मोबिलाइज करना, कि जितनी भी इनोवेटिव टेक्निक्स हैं, जितने भी आपके एक्सपर्ट एडवाइसेस हैं या जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं वो हर जगह पहुंच सके, ठीक है जी। दूसरा उसके बाद कि आपका COVID-19 के अगेंस्ट एक जिस तरीके से उसको टैकल करना है वो आप फ्रेमवर्क है वो ज्वाइंट और कोऑर्डिनेटेड रहे, ठीक है जी। फिर आपका प्रमोटिंग डायलॉग एंड एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज अमंग कंट्रीज, ठीक है जी, कि आपस में कंट्रीज एक दूसरे से नॉलेज शेयर कर सकें, कि अगर उनके पास कोई अलग इनोवेटिव टेक्निक है तो वो दूसरी कंट्रीज के साथ भी शेयर करें, और साथ के साथ एक ओरिएंटेड प्लान बने, एक ओरिएंटेड प्रोग्राम बने जिसके तहत एक सोल्यूशन तैयार किया जा सके ताकि इस COVID-19 पेंडेमिक को टैकल कर सकें, ठीक है जी।
एक बेसिक ऑब्जेक्टिव तो होता ही है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन रहे, एक पार्टनरशिप रहे, ताकि इस अलायंस का जो इम्पैक्ट है वो लंबे समय तक रहे। ठीक है जी, तो एफएओ ने रिसेंटली ही आपका फूड प्राइस इंडेक्स भी लॉन्च किया है, इसके बारे में पढ़ना आपको काफी जरूरी है। तो इन तरीके क्वेश्चंस को डिस्कस करने का लॉजिक क्या है कि आपकी जो तैयारी है वो डाइवर्सिफाइड रहे। ठीक है जी, अगर आपको करंट अफेयर में कोई भी रेलिवेंट चीज लग रही है, ठीक है जी, जैसे आपका ये एफएओ से रिलेटेड था, तो जरूरी नहीं है आपको ऐसे ही क्वेश्चन है, आपको एफपीओ की के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता था कि एफपीओ की कैसी कॉम्पोजिशन है, किस तरीके से उसके हेडक्वार्टर्स हैं, बट यहाँ पर आपको थोड़ा अलग नेचर का क्वेश्चन आया, डायरेक्टली ही आपको फूड अलाइंस से ही क्वेश्चन आया, तो आपको अपनी तैयारी मल्टी डायमेंशनल रखनी है यहाँ पे। ठीक है जी, मतलब सिंपल सा हिसाब है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाला काम करना है, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफी हॉलिस्टिक रहेगी। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात हो रही है ओपेक प्लस कंट्रीज के बारे में, आपको बताना है कौन कौन सी कंट्रीज इसमें लाई करती हैं। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 कंट्रीज यहाँ मेंशन है, 4 आपके कोर्ट्स मेंशन है, एक तरीके का सिटिंग क्वेश्चन है, आप जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आपकी करेक्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी है आपकी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स। ठीक है जी, तो बेसिकली जो आपकी ओपेक प्लस कंट्रीज हैं वो आपका एक अलायंस है क्रूड प्रोड्यूसर्स का, हु हैव बीन अंडरटेकिंग करेक्शंस इन द सप्लाई ऑफ ऑयल मार्केट सिंस 2017। ओपेक प्लस कंट्रीज में आपकी कौन कौन सी ये कंट्रीज यहाँ मेंशन है आप देख सकते हैं, ठीक है जी, इनको अपने नोट्स में भी उतार लीजिए। तो जो आपका ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये फाउंड इट वॉज फाउंडेड बाय बगदाद, इराक, एज वेल एज बाय अदर 5 कंट्रीज, जिनका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबियन, वेनेजुला। तो सितंबर 1960 में इसे बनाया गया था। तो बेसिकली ये सब इसके फाउंडर मेंबर्स थे ऑर्गेनाइजेशन के। ये आपका एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम प्राइसेस अमंग मेंबर कंट्रीज, ताकि वो एक फेयर और स्टेबल प्राइसेस सिक्योर कर सकें पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स के लिए, साथ के साथ एक रेगुलर सप्लाई बने रहे पेट्रोलियम की टू द कंज्यूमिंग नेशंस, और एक फेयर रिटर्न मिले ऑन कैपिटल टू दोज हु आर इन्वेस्टिंग इन द इंडस्ट्री। तो इसके हेडक्वार्टर्स आपकी वियना, ऑस्ट्रिया में है। तो बेसिकली इसकी जो मेंबरशिप है वो किसी भी कंट्री के लिए ओपन है, दैट इज अ सब्सटेंशियल एक्सपोर्टर एंड विच शेयर्स द आइडियल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली ही जो फाइजर वैक्सीन कि जो न्यूज आई है उसके चलते सऊदी अरेबिया ने एश्योरेंस दी है कि ओपेक प्लस ऑयल आउटपुट डील को एडजस्ट किया जा सकता है टू बैलेंस द मार्केट। ठीक है जी, तो अब देखते हैं किस तरीके से ये डील एडजस्ट की जा सकती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपकी ओपेक प्लस कंट्रीज हैं। ठीक है जी, इस तरीके की जो मैप्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा आप बार बार रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आप इन चीजों को रिटेन कर सकते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट में आपकी बात हो रही है प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट के बारे में, आपको बताना है कौन कौन स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। ठीक है जी, तो पहली स्टेटमेंट बात करें कि इंडिया ने रिसेंटली रिसीव किया है इसका पहला शिपमेंट फ्रॉम द पोर्ट ऑफ कोलंबो श्रीलंका टू द पोर्ट ऑफ चेन्नई अंडर PIWTNT। ठीक है जी, इस प्रोटोकॉल के बारे में बात हो रही है कि आपका साइन किया गया था 1972 में सबसे पहले। थर्ड में कह रहे हैं कि एक इंक्लूजन है सोनामोरा दौद खांदी स्ट्रेच ऑफ गोमती रिवर एज अ न्यू रूट इन द प्रोटोकॉल। तो काफी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा टफ होगा, तो आप वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली सेकंड और थर्ड है। ठीक है जी, तो बेसिकली जो ये आपका प्रोटोकॉल है ये आपका इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। तो इसमें जो ये पोर्ट ऑफ कोलंबो श्रीलंका वाला जो लॉजिक है ये तो यही फेल हो जाएगा। अगर आपको प्रोटोकॉल के बारे में सिंपल सा पता होता तो आप शायद आप एलिमिनेशन के जरिए ये आप क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है जी, तो बेसिकली जो प्रोटोकॉल है ये साइन किया गया था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 1972 में, और ऑब्जेक्टिव यही था कि इनलैंड वाटरवेज कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके बिटवीन टू कंट्रीज, पर्टिकुलरली जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके लिए, और ताकि जो आपका बायलेटरल ट्रेड है वो उसको प्रमोशन मिले, उसको और ज्यादा बूस्ट मिले। तो जो इसका स्कोप था वो फर्दर एक्सपैंड कर दिया गया था बाय द साइनिंग ऑफ सेकेंड एडेंडम ऑफ दिस प्रोटोकॉल ऑन May 20, 2020, जिसके चलते कुछ एडिशनल रूट्स और पोर्ट्स ऑफ कॉल्स ऐड किए गए थे। ठीक है जी, तो इसमें जो आपका सोनामुरा और दौद खांदी वाला जो स्ट्रेच ऑफ गोमती रिवर, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपका 93 किलोमीटर का, ये एक नया रूट तैयार किया गया है इस प्रोटोकॉल में, जिसके चलते जो त्रिपुरा और एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं इंडिया के, उनकी कनेक्टिविटी इंप्रूव की जा सकती है विद बांग्लादेश इकोनॉमिक सेंटर्स, और ये जो आपके हिंटरलैंड है बेसिकली दोनों देशों के, हिंटरलैंड का मतलब क्या हुआ, जो आपका एरिया कोस्ट से दूर है, तो उन दोनों को ही हेल्प मिलेगी ताकि वो इजीली अपना ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा सकें। ठीक है जी, तो इस इलस्ट्रेशन से आप देख सकते हैं किस तरीके से ये रूट सेट किया गया है, और ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है काफी हद तक
इसमें ये कवर भी किया गया है। इसमें आपके दो प्रोटोकॉल रूट्स हैं, एक आपका प्रोटोकॉल रूट वन है, प्रोटोकॉल रूट टू है। यहाँ पे सब कुछ इस इलस्ट्रेशन में अच्छे से मैंशन है। तो आई होप आपके काफी सारी चीजें इस इलस्ट्रेशन से ही क्लियर हो गई हों। ठीक है जी, आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं आपकी कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं अबाउट WHO। काफी सिटिंग क्वेश्चन है ये, बिल्कुल स्टैटिक नेचर का क्वेश्चन है, इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, पहले में कह रहे हैं कि WHO ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है 2020 को एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। बनता भी है जी डिक्लेयर करना, क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत की है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने टू टैकल COVID-19। ठीक है जी, सेकंड में बात कर रहे हैं कि इट बिगेन फंक्शनिंग ऑन April 7, 1948, जिसे अब हम वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है जी, थर्ड में कह रहे हैं कि इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट्स सेकंड और थर्ड है। बेसिकली यहाँ जो ये ईयर मेंशन है ये 2021 है, ना कि 2020। बेसिकली जो आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल करेक्टली मेंशन है, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसके चलते अप्रैल 7 को अब ये वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर से मनाया जाता है। हेडक्वार्टर्स बिल्कुल करेक्टली मेंशन है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 194 मेंबर स्टेट्स हैं, 150 कंट्री ऑफिसेज हैं, 6 रीजनल ऑफिसेज हैं। तो बेसिकली आपकी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ हैं, जितने भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनकी जो मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं। ठीक है जी, एजेंडा यहाँ मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। साथ साथ आपकी डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल हेल्थ वर्क, जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं अगर किसी को असिस्टेंस की जरूरत है तो अपॉन रिक्वेस्ट ये उनको असिस्टेंस भी देते हैं। ठीक है जी, जैसे आपकी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए ये प्रॉपर वहां पर असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। साथ के साथ ये प्रमोट करते हैं कोऑपरेशन अमंग साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल ग्रुप्स, ताकि जो हेल्थ सेक्टर है उसकी एडवांसमेंट हो सके। तो रिसेंटली ही जो 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली थी वो वर्चुअली कंडक्ट की गई बाय द मेंबर स्टेट, जिसके चलते 2021 को एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स डेजिग्नेट किया है, जो कि बनता भी है, क्योंकि काफी जितने भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्होंने काफी डेडिकेशन के साथ काम किया है अगेंस्ट COVID-19। काफी लोगों ने अपनी सेक्रीफाइस भी कर दी है लाइफ इसके लिए, तो ये एक छोटी सी चीज करना तो बनता ही है उनके लिए। ठीक है जी, तो ये आज के हमारे 5 क्वेश्चंस थे। जाते जाते एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी भाई बंधुओं के लिए जो 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा बैच 2 लॉन्च हो चुका है, उसकी क्लासेस भी आज से शुरू हो चुकी हैं। ठीक है जी, तो इसमें क्या है आपका 108 दिन का ये प्लान है, जिसमें आपको डेली एक नया क्वेश्चन मिलेगा रिलेटेड टू न्यू सब्जेक्ट। तो इसकी सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे मेंशन है। तो बेसिकली इस बैच का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि आपको एक स्केड्यूल दिया जाए जिसके आप ऊपर आप स्टिक रहें, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो कंसिस्टेंट रहे। ठीक है जी, सो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, अपने करंट अफेयर्स पे फोकस रखिए, अपने जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उन पर भी फोकस रखिए, साथ के साथ अपनी आंसर राइटिंग भी करते रहिए। जब आप नाव में सवारी करते हैं, ठीक है, तो आप बीच में ही बैठना प्रेफर करेंगे, ना ज्यादा पीछे ना ज्यादा आगे। उसी तरीके से ना आपको ज्यादा प्री स्पेसिफिक होना है ना आपको ज्यादा मेन स्पेसिफिक होना है, एक बीच वाली अप्रोच रखनी कि आप दोनों ही बराबर से हैंडल करते रहें। ठीक है जी, तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।